जी हेलो माय स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जरूर आपका आधा पौना घंटा लगेगा। स्टूडेंट्स कल आपका पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। इसको थोड़ा मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, सबकी डिटेल में आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। तो ये सेकेंड जो है वो गैस बायोलॉजी पेपर है। आई एम श्योर आपको जो पहले भेजा वो और इसको आप जरूर देख लीजिएगा। मुझे श्योर है कि इनमें से दोनों में से एक में से मैक्सिमम आ जाएगा। अगर दोनों को कंबाइन करके देखें तो आपकी अच्छी स्टडी हो जाएगी, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। साथ साथ आप अब आगे आपको समझाता हूँ सारा जी। अच्छा, एक तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये कुछ पिछले जो गेस पेपर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था उसमें कुछ माइनस सी चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो गई कुछ से, और ये एग्जाम फेडरल बोर्ड में भी ऐसा हो सकता है। बट देखिएगा कौन कौन से। देखिएगा ये जो है ना प्रीवियस गेस पेपर वन, इसमें ये देखिएगा नॉट इंक्लूडेड द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें ऑब्जेक्टिव जो 12 है वो ऐड नहीं है, फ्लोएम वाला। शॉर्ट क्वेश्चन में पार्ट थ्री का फिफ्थ पार्ट जो है फैलोजिन, ये ऐड नहीं है। और थर्ड का सिक्स पार्ट, जो सिक्स का बी पार्ट सैपवुड हार्डवुड, ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर कर रहे हैं कि ये अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो अभी तक रिड्यूस सिलेबस के कुछ टॉपिक्स के क्लियर नहीं है, बट मैंने यहाँ सारा आपको गाइड कर दिया। ये सेकेंड पेपर मैंने बनाया है, बहुत एफर्ट किया आप लोगों के लिए, खुदा करे कि आपको बेनिफिट हो, आमीन जी। तो अब चलते हैं ठीक है फर्दर एमसीक्यूज की तरफ। इससे पहले कि एमसीक्यूज पे बात करूं, आंसर सारे इसके आगे दिए, लेकिन प्लीज 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 आपने पहले सॉल्व कर लें, देन इसके आंसर आपने देखने होंगे, ओके। और जो बॉक्सेस हैं आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन में, वो आपके एग्जाम में शामिल नहीं है, ओके जी। जैसे कि ये गेस पेपर टू है, इसमें 17 एमसीक्यूज है, ये देखते रहिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको साथ रीड भी कर देता हूँ, आपको आसानी से समझ भी आ जाए और आपको आसानी होगी। फॉन्ट भी मैंने बड़ा इसका किया है, और साथ से देख लीजिएगा इसको। आप कैमरा पे ऐसी पिक्चर भी ले सकते हैं आसानी के लिए, ठीक है। ओपन करने के बाद साथ साथ सारा ये आप एंड जरूर देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ओके। पहला है देखिए, इसमें आपने मैंने पहले बताया कि आपने स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ना है, और फिर चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर डिसाइड करना। समझो क्या होता है, बच्चे फौरन से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उस पर टिक कर देते हैं, और वो हालांकि ठीक नहीं होता। इसलिए स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सारे ऑप्शन पढ़ के फिर देखिए कि कौन से सही आपकी प्रिपरेशन है, आपको कौन सा ज्यादा लग रहा है कि सुटेबल है। समझो क्या होता है, दो ऑप्शन लग रहे होते हैं, फिर आपने उसको थोड़ा सा डिसाइड करना है। और हाँ, जिस एमसीक्यू में आप फंस जाए ना, उसको आगे छोड़ दो, उसको मार्क करने पेंसिल से नेक्स्ट एंड पे कर लीजिएगा। स्टूडेंट समझ गए जी। अभी पहला है डैश नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, बेसल बॉडी, ईआर एंडोप्लाज्मेटिक कॉलम, न्यूक्लियस, नन। ये मैं आंसर जो बताऊंगा आंसर एंड पे दिए गए हैं, आप भी खुद पहले सॉल्व करें आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। विच ऑर्गेनेली ये देखिएगा, ठीक है, थोड़ा आगे मैंने फॉरवर्ड कर दिया। ये देखिएगा, विच ऑर्गेनेलीज आर सिमिलर टू लाइसोसोम्स इन द सेंस दे आर सिंगल मेम्ब्रेनस वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये कैसे लिखा गया जी, ये देखिएगा जरा, इसको मैं एंड कर देता हूँ, ओके। और पॉलीजोम्स है, ग्लाइकोसोम्स है, माइक्रोबॉडीज हैं, राइबोसोम्स है, ये आप सेलेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड एम्स क्यों देख लीजिएगा, डैश इज मिल्क बेस्ड प्रोटीन, ओवल एल्ब्यूमिन, कॉलेजिन, कैजिन एंड नन, ठीक है। आगे मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, तो यहाँ पर टाइम में ज्यादा नहीं लेना चाहता, आप इसको जो गो थ्रू होइएगा, ठीक है। और ये देखिएगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। ये आप सारा अच्छे से समझ के ना फिर कीजिएगा। सेवेंथ, ठीक है, एट्थ, और ये ठीक है साथ साथ कर दूं, नाइन्थ, ठीक है, और ये नेक्स्ट में टेंथ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिएगा टेंथ एमसीक्यू, ठीक है। देन इलेवन आप देख सकते हैं, देन 12, ठीक है, और देन 13, देन 14, देन 15, ठीक है,
16 और 17, ये देखिए आपने पहले सारे एमसीक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपने इसके आंसर ये देखिएगा, सारे आंसर दिए गए हैं, फिर भी किसी को बच्चे को डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझसे आंसर पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। ये जी सेक्शन बी, आपको पता है पहले 7 चैप्टर में से, ठीक है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपने 7 करने हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, 10-7 पार्ट्स, मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप थोड़ा सा गाइड करता हूँ। राइट डाउन एनी 3 फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइट डाउन एनी 3 फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे वैसे इसको पार्ट्स में बता सकते हो, ठीक है ना, फंक्शन इसकी जो है 3 फंक्शन बन सकते हैं, इसकी बना लीजिएगा, ठीक है, एक एक लाइन में। जैसे स्टोर हाउस है, फिर आपने बताना है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसमें आपने, ठीक है, 3 मार्क्स के ये, और ये आपने जो है कम से कम आपने इसमें 6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना, अगर 3 पॉइंट है ना, आप 6 पॉइंट लिखिएगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, बहुत ईजी है बुक वाली। और थर्ड है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसाइल एलानिन, प्लीज इस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले आपने पहले ग्लाइसिन अलग से बनाना है, एलानिन अलग से बना के दोनों को फिर आगे एरो देके रिएक्शन शो करके फिर ये डाइपेप्टाइड पूरा आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। प्लीज इस क्वेश्चन में ड्रॉ और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में आपने एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं है, जस्ट ये दोनों आपने अमाइन से लिख के उसको बांध बना के एंड वाटर रिलीज करना है, इसका वाटर वन मॉलिक्यूल, उसको आपने सारे बांड को शो करने और दोनों अमाइन एसिड के नेम लिखने होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरविंद चार्गव इन मोलेकुलर जेनेटिक्स, ये पता ही आपको उसका रोल क्या है। 5 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ये फीडबैक इनहिबिशन 1-2 लाइंस में बताइएगा, एंटीकोडोन बताना है आपने, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है, और आपको बताया था ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको ये क्वेश्चन है OMR शीट पे आपने सॉल्व करने, आपके पास जो शीट होगी वो OMR शीट है, ऑप्टिकल, ठीक है, मार्क्स रिकग्निशन बोलते हैं इसको, या ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, तो आपने उस पे क्वेश्चन के आंसर की जगह छोड़ी होगी, आपने क्वेश्चन 2 ये है ना, तो वहां पे आपने क्वेश्चन 2 के आंसर की जगह पे आपने फर्स्ट किया, क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है, तो आपने या 4th पार्ट है, कोई भी जो पार्ट है आपने उसको प्रिसाइज करके टू द पॉइंट आंसर लिखा है। प्लीज बच्चों बताता चलो कि प्लीज आप क्वेश्चन पढ़ के उसको फौरन से आपने 10 सेकंड डिसाइड करने के आपने लिखना क्या क्या है, पूछा क्वेश्चन क्या है, फजूल में बच्चे लिख देते हैं एक्स्ट्रा तो जगह कम हो जाएगी तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। प्लीज अगेन वार्न, आपको वार्न करता हूं कि आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी, फ्लूइड लगाना, अगर गलती हो जाती है तो उसको ब्रैकेट में आपने लगा के हल्की से ऊपर अब जो है लेड पेंसिल से ऊपर आप लाइन लगा सकते हैं, बजाय के बच्चे क्या करते हैं उसको रगड़ते रहते हैं बार बार, कभी फ्लूड लगाया, कभी ये, कभी टेबल लगा के करते हैं तक पता नहीं चले, ऐसा कुछ ना कीजिएगा, जो गलत हो गया वो सामने आप छोड़ दें कि ये गलत हो गया, उसके ऊपर आप लिखते हैं सिंगल सी लाइन लगाया ताकि नजर आए कि गलत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा फिर क्वेश्चन 5 देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बता दिया आपको मैंने, ठीक है। 6 देखिएगा, राइट अबाउट एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आपने ना एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखनी है और आपने इसका ग्राफ भी शो करना है, एक ग्राफ को शो कर दीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन हैलोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स, ये आपने 2 लाइन में लिखी है डेफिनेशन और एग्जांपल, आई थिंक अभी कोर्स के मुताबिक नहीं है बट आपने डेफिनेशन लिखनी होगी। ओके, डिफाइन द फॉलोइंग, इट प्लूमॉर्फिक आपको पता ही है, सरसिनी या सरसिना एंड ट्राइकोम, ये आपने 2-2 लाइन में इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी होगी। आगे है 9 क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ एचडी, आपने प्लीज ये समझना है, ड्रॉ ए लेबल द स्ट्रक्चर, ये साइकिल नहीं है, ये स्ट्रक्चर जो सिंपल से वो राउंड सा वो आपने लेबल ड्रॉ करना है प्यारा सा और लेबल कर देना है। ओके, व्हाट आर प्रीडेटरी फंजाई, ये आपने 4-5 लाइनों में जवाब देना है, प्रीडेटरी फंजाई कौन से है जो एनिमल्स को ईट करते हैं, अर्थवर्म हो गए और बाकी इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है ना, इसमें सारे वो स्ट्रेस सॉरी प्लूटस वो स्ट्रेस वगैरह और जो जितने भी हैं और तो वो ट्राइज का जिक्र करना है आपने। ओके, बुक से देख लीजिएगा, इजी है। सेक्शन आ जाए जी
सी के, ठीक है, ये 8 चैप्टर से 13 तक है, 21 मार्क्स है, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स आपके सामने हैं। ये देखिए क्वेश्चन 3, अटेम्प्ट एनी 7 पार्ट्स, ओके, शॉर्ट एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ लीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आपने बताना है, सारी स्टेजेस का जिक्र कीजिएगा, डायग्राम भी बनाएगा इसमें, राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोरिफेरा, ये आपने 3-4 लाइन में पोरिफेरा की इंपॉर्टेंस बतानी है। थर्ड है डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, काइटिन बहुत सिंपल है, रेडुला सिंपल है, रीजनरेशन बहुत सिंपल है, ठीक है, ये आपने जो है वो डिफाइन करना है। अच्छा, फोर्थ है गिव जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्का, बहुत ईजी है, आपने जनरल फीचर लिखने हैं, ठीक है, ये कोर्स में शामिल है, एवोल्यूशनरी फीचर नहीं लिखने, ओके, ना हेडिंग देनी है। फिफ्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, सिंपल सिंपल एक एक डेटा लाइन बनती है, आप इसका सिंपल सा जवाब लिखना, ये हो गया जी, बस थोड़ा सा काम रह गया बेटा, जरूर इसको ना एंड तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आधा घंटा लगेगा आपको, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बेस्ट ऑफ लक जी अगेन। अच्छा, आगे देखिएगा थर्ड का बाकी जो पार्ट है, सिक्स पार्ट, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल एंड इफेक्टिव टेम्परेचर इन वर्नलाइजेशन, आपको बताइए मोस्ट सुटेबल एंड इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, 4 डिग्री जो रेंज है वो 0 से 10 आई थिंक, और जो मोस्ट सुटेबल है वो 4 डिग्री है। बी पार्ट है ये 1 में मार्क्स का, अच्छा, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, इजी है, व्हाट आर कॉलोमेट्रॉन्स, ये भी इजी है। छठा है जी, सातवां, व्हाट इज द रोल ऑफ पैपिलरी मसल्स, ये हार्ट के अंदर है, जो पैपिलरी मसल्स है ना ये वेंट्रिकल के वाल से अटैच होते हैं और ये आगे जुड़े होते हैं कॉर्डेड टैनी से, आगे सारा बुक में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, कॉर्डेड टैनी से अटैच होते हैं और ये कॉन्टैक्ट करते हैं तो फिर वेल्स जो है वो ब्लड वापस नहीं जाता और वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, सारा पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट्स लिखे होंगे। डिस्कस द रोल ऑफ लैक्टियल प्रेजेंस इन द विलाय, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम वाले टॉपिक में है, देख लीजिएगा इसी चैप्टर 12 में, हार्ट वाले में। राइट अ नोट ऑन स्क्रीन, ये भी शॉर्ट सा है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, ओके, ये बहुत ईजी है, आपने फंक्शन परफॉर्म बताने हैं कि जैसे हम खाना शुरू करते हैं तो क्या कुछ प्रोसेस होता है, सलाद का जिक्र कीजिएगा, एंजाइम का जिक्र कीजिएगा, ओके, समझ गया हो। नेक्स्ट लास्ट पार्ट की बात करते हैं। अच्छा बेटा, इससे पहले कि मैं ना आपको बताऊं, आपने पहले वो पोर्शन करना है एमसीक्यूज करने के बाद जो आपको अच्छा आता हो, और प्लीज आपसे बात कहूंगा, पूरे पेपर को मत पढ़िएगा, जैसे ही आपने पहला सेक्शन शुरू किया, पहला क्वेश्चन पढ़ा आता गया, स्टार्ट करते जाए, ओके, बजाय कि पूरा पढ़ते रहें 10-15 मिनट लगा दें, ओके, और बाकी जो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें आप ना करें, वैसे मेरी सजेशन है, मेरी पर्सनल, कि आप हर सेक्शन में जो शॉर्ट हो लॉन्ग हो, अगर आप समझते कि आप सारे सही किए तो फिर आप एक एक्स्ट्रा वैसे कर दें, उसके मार्क्स ही कटेंगे, इससे ज्यादा मत कीजिएगा, अगर आप समझते कोई एक दो में डाउट है तो दो कर दें, ठीक है ना, इसके मार्क्स ही कटेंगे, कटिंग नहीं करनी प्लीज। लास्ट है जी, ये देखिए सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन करने हैं, 1-2-30 चैप्टर सारे कोर्स में से है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ठीक है, 4-5-6 3 क्वेश्चन होते हैं इसमें से, जस्ट जो है वो आपने 2 करने होते हैं, ठीक है, ये देखिए एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने शॉर्ट में भी दिया था, लॉन्ग में भी दे दिया, ये सारा आपने स्ट्रक्चर बनाना और डिटेल में समझाना है। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये भी इजी है, 4 पॉइंट्स है इसके, वो डिफरेंशिएट करना होगा आपको। व्हाट आर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ये 3-4 लाइन बताना है आपने कि स्टोरेज होती है और कौन सी डिजीज है और किस एंजाइम की वजह से होता है। ये क्वेश्चन 5 है जी, एलिब्रेट द लाइफ साइकिल ऑफ फाइबरम, आपने ये चैप्टर 7 में से है, ये आपने ये इसका पहले साइकिल ड्रा करना है, उसी साइकिल को आपने एक्सप्लेन करना है, 8 मार्क्स के। स्केच द लाइफ साइकिल ऑफ एगेरिकस, ये मशरूम है, ये कोर्स में शामिल है, जस्ट आपने स्केच करना है, स्केच का मतलब है नो डिस्क्रिप्शन, जस्ट लेबल करना है, 5 मार्क्स के। क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये डिटेल में है, सबसे पहले अगर ये ऐसा आ जाता है तो आप फ्लावरिंग प्लांट की डायग्राम ड्रा करेंगे, पूरा साइकिल ड्रा करेंगे, उसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे 8-10 लाइन में, और ये सारे 9 मार्क्स के, ओके, और ये देखिएगा यहाँ इसके मार्क्स में लगा देता हूँ, 4 मार्क्स बनते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा जी, व्हाट आर डिफरेंट पाथवेज ऑफ ऑप्टिक ऑफ वाटर बल रूट्स, 3 पाथवे पता है आपको, सिंपलस पाथवे, एपोग्लास पाथवे, वैक्यूलर पाथवे, ठीक है, एपोग्लास पाथवे, सिंपल पाथवे, वैक्यूलर, 2-3 लाइन्स हैं, और डायग्राम भी कोशिश कीजिएगा बनाएगा, अच्छा, ओके, बाकी बच्चों ओके, बेस्ट ऑफ लक जी, अगेन मैंने बहुत एफर्ट की, थैंक्स कार्ड चले राही मत देता है, और जरूर इसको शेयर कीजिएगा, कहते हैं ना कर भला सो भला, तो प्लीज मत सोचिएगा कि किसी को भेजेंगे तो किसके मार्क्स आ जाएंगे, आप खुदा के लिए भला करें, सेंड कर दें, कोई जिसकी तैयारी नहीं है वो भी तैयारी कर ले, कुछ तो कुछ फायदा हो जाए, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है उनको भी फायदा होगा, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा, ओके, थैंक यू सो मच।